हमें किसी मजदूर से सूचना मिली थी, उस पर हमने इस जो फरार स्थायी वारंटी है जो 4 वर्ष से फरार था उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। 4 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने पाई सफलता। नकबजनी के मामले में पिछले 4 साल से फरार चल रहा था कड़ेल थाना पुष्कर निवासी दीपक दायमा। फरार चल रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा जयपुर द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा दिए गए निर्देश पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने पिछले 4 साल से नकबजनी के मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है। किशनगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, सीओ नॉर्थ छवि शर्मा और थाना अधिकारी डॉक्टर रवि सामरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल हरिराम, श्री किशन, कांस्टेबल अनिल कुमार और मानसिंह ने मुखबिर की सूचना पर 4 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी कालाभाट घाटी कड़ेल थाना पुष्कर निवासी दीपक दायमा पुत्र शिवराज दायमा को गिरफ्तार किया है। देखिए, 4 वर्ष से स्टैंडिंग वारंटी थाना क्रिश्चियनगंज से फरार था, जो कि नकबजनी के मामले में वांछित था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। कल हमें किसी मुखबिर से सूचना मिली थी, उस पर हमने इस जो फरार स्थायी वारंटी है जो 4 वर्ष से फरार था उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वारंटी का नाम है दीपक दायमा, सन ऑफ शिवराज दायमा, कालाभाटा कडेल थाना पुष्कर का ये रहने वाला है। हमारी टीम में जिन्होंने गिरफ्तार करने में विशेष भूमिका निभाई है उसमें लक्ष्मण सिंह, हरिराम हेड कांस्टेबल, श्री किशन हेड कांस्टेबल, अनिल कुमार और मानसिंह।